काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट किसे कहते हैं, टेलीप्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को इनेबल करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसकी एंट्री करना। दोस्तों, आज के अध्याय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझाने जा रहे हैं। टैली में ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रायः हर व्यवसायी और अकाउंटेंट को काम करना ही पड़ता है। इसको समझे बगैर हम सही तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। आप इसे अच्छे से समझ सकें इसलिए हम इस टॉपिक पर 6 वीडियोस बना रहे हैं। हमारा आपसे ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सभी वीडियो जरूर देखें और क्रमानुसार देखें, यानी ऑर्डर में देखें। दोस्तों, कई बार आपको ये लगता होगा कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी होती हैं। उसका कारण ये है कि हम आपको छोटी से छोटी बात भी बताना चाहते हैं, इसलिए कई बार इनकी ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। चलिए तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं। जब हम किसी से लोन यानी कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं, तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल के रूप में कुछ राशि देना पड़ती है, जिसे इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं। इसी प्रकार व्यापार में भी कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम भी ब्याज ले सकते हैं। यदि आपको ब्याज प्राप्त होता है तो ये एक प्रकार की अप्रत्यक्ष आय है, यानी इनडायरेक्ट इनकम है, और यदि आप किसी को ब्याज देते हैं तो वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए अब इंटरेस्ट को यानी ब्याज को सरल शब्दों में समझ लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। हमने मुकेश को 10,000 रुपए 2% मासिक ब्याज दर पर 3 माह के लिए उधार दिए, यानी वो हमें 10,000 रुपए पर 1 महीने के 2% यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा देगा, और ये 200 रुपए ही इंटरेस्ट यानी ब्याज कहलाता है। इस तरह हमें 3 माह का इंटरेस्ट प्राप्त होगा 200 × 3 यानी 600 रुपए। यहाँ पर जो 10,000 रुपए है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है, और जो 2% है वो ब्याज की दर है, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और जो 3 माह का समय है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला भी है, चलिए वो आपको बता देते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू समय यानी टाइम डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से यदि हम मुकेश को दिए 10,000 रुपए का ब्याज निकालें तो वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंटू टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, तो 3 ले लेंगे। सो 10,000 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, ये हुआ 600। यहां पर हम आपको कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। पहली तो ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सामान्यतया 2 तरह से बताए जाते हैं, मासिक और वार्षिक। मासिक यानी मंथली इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें जो ब्याज दर होती है वो 1 माह के लिए होती है, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में बताया था। और दूसरे वार्षिक यानी ईयरली जो इंटरेस्ट रेट होता है इसमें जो ब्याज दर होती है वो 1 वर्ष के लिए होती है। हमने उदाहरण में देखा कि 2% मासिक ब्याज दर है, इसका मतलब ये कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 1 साल की ब्याज दर हो जाएगी 2 × 12 = 24%। दूसरी बात, अभी हमने जो ब्याज की कैलकुलेशन की वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट था। कई बार चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। आगे वाली वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी डिटेल में समझाएंगे।
अब बात करते हैं टैली प्राइम की। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ध्यान दिला दें कि टैली के एडुकेशन वर्जन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी जरूरत के अनुसार तारीख नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने टेलीविजन हाउस के नाम से पहले से ही कंपनी बना रखी है। इसमें सभी आवश्यक लेजर, स्टॉक आइटम्स इत्यादि भी पहले से बना रखे हैं। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के फीचर को चालू करना होता है, तो उसके लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। अब बैकस्पेस से शो मोर फीचर्स पर जाकर इसे यस करेंगे। इसी तरह शो ऑल फीचर्स को भी यस करेंगे। ये देखिए, अकाउंटिंग हेडिंग के अंतर्गत इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इसे यस कर रहे हैं और इस स्क्रीन को सेव कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि यदि हम किसी को ब्याज पर रुपए उधार देते हैं, यानी लोन देते हैं, तो टैली में उसकी एंट्री कैसे करते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम पहले वाला ही उदाहरण ले रहे हैं। हमने मुकेश को 1 अप्रैल को 10,000 रुपए 2% मासिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए उधार दिए। चलिए अब टैली में इसकी एंट्री कर लेते हैं। चूंकि हमने पेमेंट दिया है, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं। हमारे पास मुकेश का लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करें लोन टू मुकेश। अब चूंकि हम इसे लोन दे रहे हैं, इसलिए इसका ग्रुप होगा लोन इन एडवांस। इसके बाद यहाँ हमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि अभी नो है। हमने इस पार्टी को लोन दिया है और हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही हमारे सामने इंटरेस्ट पैरामीटर्स की एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन से संबंधित डिटेल्स देना होंगी। यहाँ सबसे पहले है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब है कि जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, उस तारीख को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंक्लूड करें, यानी शामिल करें। और इससे संबंधित नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है फॉर अमाउंट एडेड। इसका मतलब है कि जिस दिन अमाउंट जोड़ी गई है, उस दिन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में शामिल करें। और दूसरा ऑप्शन है फॉर अमाउंट डिडक्टेड, यानी जिस दिन अमाउंट घटाया गया, उस दिन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में शामिल करें। अगर आपको ये ऑप्शंस इंक्लूड करना है, तो इन्हें यस करना है, और अगर नहीं करना है तो नो रहने देना है। सामान्यतया हम या तो इन दोनों ऑप्शंस को यस करते हैं या दोनों को ही नो रखते हैं। हम अभी इन दोनों ऑप्शंस को यस कर रहे हैं। इन्हें यस या नो करने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम आपको आगे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अब हम रेट पर आ गए हैं। यहां हमें ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप करना है। हम 2 टाइप कर रहे हैं। देखिए, एंटर प्रेस करते ही इंटरेस्ट स्टाइल के 4 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है 30-day month। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं और उनमें कोई महीना 30 दिन का तो कोई 31 दिन का होता है, और फरवरी का महीना या तो 28 या फिर 29 दिन का होता है। अब यदि आप अपनी कैलकुलेशन में 30 दिन बीत जाने पर उसे पूरा महीना मानना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करें। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए हमने 1 जनवरी को किसी को रुपए उधार दिए हैं, तो उसका एक महीना 30 जनवरी को पूरा हो जाएगा और 31 जनवरी से ही अगले माह की कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। दूसरा है 365-day year। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 3 साल के बाद चौथा साल 365 दिनों की जगह 366 दिनों का होता है, जिसे कि हम लीप ईयर कहते हैं। यदि आप इसे सिलेक्ट करते हैं, तो 365 दिन बीत जाने के बाद उसे एक साल मान लिया जाएगा, चाहे वो साल 365 दिन का हो या फिर 366 दिन का। तीसरा है कैलेंडर मंथ। यदि आप कैलेंडर मंथ के हिसाब से ब्याज की कैलकुलेशन करना चाहते हैं,
यानी आप चाहते हैं कि महीना 30 दिन का हो या 31 दिन का या 28 या 29 दिन का, जितने भी दिन का हो उसे एक महीना ही माना जाए, तो फिर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। चौथा है कैलेंडर ईयर। यदि आप कैलेंडर वर्ष के हिसाब से ब्याज की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। इसमें यदि वर्ष 365 दिन का है तो उसे एक वर्ष माना जाएगा, और यदि वर्ष 366 दिन का है तो उसे भी एक वर्ष ही माना जाएगा। यहाँ पर हम कैलेंडर मंथ सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक नई स्क्रीन इंटरेस्ट बैलेंसेस की आ रही है जिसमें तीन ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप पार्टी को रुपए उधार देते भी हैं और उससे रुपए उधार लेते भी हैं और आप चाहते हैं कि दोनों पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, तो आप यहां ऑल बैलेंसेस सिलेक्ट करें। यदि आप पार्टी को केवल रुपए उधार देते हैं तो यहां डेबिट बैलेंसेस ओनली सिलेक्ट करें, और यदि आप पार्टी से रुपए उधार लेते हैं तो यहां क्रेडिट बैलेंसेस ओनली सिलेक्ट करें। चूंकि हमने यहां पार्टी को उधार यानी लोन दिया है तो हम डेबिट बैलेंसेस ओनली सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही इंटरेस्ट पैरामीटर सेव हो गए हैं और हम वापस लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं। अब इस लेजर को भी सेव कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और बात बता दें कि यदि आप पहले से बने किसी लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू करना चाहते हैं तो उस लेजर को ऑल्टर करके एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को यस करना होगा और सभी जरूरी डिटेल्स टाइप करनी होंगी। अब चूंकि मुकेश को हमने 10,000 रुपए का लोन दिया है, इसलिए डेबिट में 10,000 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमने ये पेमेंट कैश के माध्यम से किया है, इसलिए यहां हम कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे। नरेशन में टाइप करेंगे लोन गिवन टू मुकेश ऑन इंटरेस्ट। अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। 3 महीने बाद 1 जुलाई को मुकेश आया और बोला कि भाई साहब, मैं लोन चुकाने आया हूं। ऐसी स्थिति में पहले हमें इंटरेस्ट का अमाउंट टैली में कैलकुलेट करना चाहिए, इसके बाद इस इंटरेस्ट की एंट्री जर्नल वाउचर में करना चाहिए, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर जितने रुपए बनते हैं वे पार्टी से लेकर उसकी रिसीट वाउचर में एंट्री करनी चाहिए। हम आपको इन दोनों के बारे में समझाना चाहते हैं, इसलिए अभी हम मान लेते हैं कि पहले सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 10,000 रुपए है वो हमें वापस मिल गया है और उसकी एंट्री रिसीट वाउचर में कर लेते हैं, बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। यह हमने एंट्री कर ली। आइए अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। इंटरेस्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा। अब यहां से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे। देखिए, यहां इंटरेस्ट कैलकुलेशंस लिखा दिखाई दे रहा है, हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की अलग अलग रिपोर्ट्स देखने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल में हमें जितनी भी पार्टियों से ब्याज लेना है उन सभी की लिस्ट आ जाती है। मान लीजिए हमने 10 ग्राहकों के लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू किया हुआ है और हम एक साथ उन सभी का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, तो हम इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट पेएबल में हमें जितनी भी पार्टी को इंटरेस्ट पे करना है उन सभी की लिस्ट आ जाती है। इसके बाद है लेजर, पर अभी हम इसे छोड़कर नीचे ग्रुप की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी ग्रुप में जितने भी लेजर्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल है उन सभी की एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो इसकी सहायता से देख सकते हैं। अभी हमें इंडिविजुअल एक ही कस्टमर का इंटरेस्ट देखना है तो हम लेजर में जाएंगे, उसके लिए एल प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहां पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में मुकेश का लेजर दिखाई पड़ रहा है।
यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एक ही लेजर क्यों दिखाई पड़ रहा है, तो उसका कारण ये है कि अभी हमने एक लेजर में ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू की है, हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब हमें जिस पीरियड का इंटरेस्ट देखना है वो F2 प्रेस करके टाइप करना होगा। हम 1 अप्रैल 23 से 1 जुलाई 23 तक का पीरियड टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमने 1 अप्रैल को रुपए दिए थे और वो 1 जुलाई को हमें वापस प्राप्त हो गए हैं। ये देखिए, हमने रिपोर्ट का पीरियड 1 अप्रैल से 1 जुलाई का लिया था, पर 2% के हिसाब से इंटरेस्ट 1 अप्रैल से 30 जून यानी 3 माह का 600 रुपए आ रहा है। आइए आपको इसका कारण समझा देते हैं। हमने इन दोनों को यस किया था। इसमें पहले ऑप्शन का अर्थ ये है कि जिस तारीख को रुपए दिए जा रहे हैं यानी रुपए ऐड हो रहे हैं, क्या आप उसे कैलकुलेशन में लेना चाहते हैं? यदि लेना है तो यस करें और यदि नहीं लेना है तो नो करें। हमने यहाँ पर यस किया हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट 1 अप्रैल से कैलकुलेट हुआ है। इसी तरह दूसरे ऑप्शन का अर्थ है कि जिस दिन रुपए प्राप्त हुए यानी डिडक्ट किए गए, जैसे कि हमें 1 जुलाई को 10,000 रुपए प्राप्त हो गए, तो उस दिन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यदि नहीं लेना है तो यस करें और लेना है तो नो करें। हमने यहाँ पर यस किया हुआ है। ध्यान रखें, ऊपर वाली ऑप्शन में हमने डेट इंक्लूड करने के लिए यस किया है और नीचे वाले ऑप्शन में डेट इंक्लूड नहीं करने के लिए यस किया है। आइए अब हम इस पार्टी के लेजर को ऑल्टर करके इन दोनों ऑप्शंस को यस की बजाय नो कर देते हैं और उसका इफेक्ट देख लेते हैं। हम पार्टी का लेजर ओपन करके इसमें ऑल्टरेशन कर रहे हैं। हम इसे यस कर रहे हैं और अब इन दोनों ऑप्शंस को नो कर रहे हैं। दरअसल हमारा ये मानना है कि इन दोनों ऑप्शंस को नो रखना ज्यादा सही है। चलिए अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं और इस लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन को भी सेव कर लेते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करके वापस रिपोर्ट पर आ गए हैं। ये देखिए, इन ऑप्शंस को नो करने से सब उल्टा हो गया है। हमने जिस तारीख को रुपए दिए हैं यानी 1 अप्रैल, उस तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेट ना होकर उसके अगले दिन से कैलकुलेट हो रहा है, और जिस तारीख को रुपए प्राप्त हुए हैं उस तारीख तक यानी 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ध्यान रखें, इसमें हमने ऊपर वाले ऑप्शन में डेट इंक्लूड नहीं करने के लिए नो किया है और नीचे वाले ऑप्शन में डेट इंक्लूड करने के लिए नो किया है। इस तरह आप इन दोनों ऑप्शंस का उपयोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पार्टी की लेजर रिपोर्ट ओपन करके ₹10,000 की हमने जो रिसीट बनाई थी उसे डिलीट कर देते हैं और सीधे तरह से काम करना समझा देते हैं। 3 महीने बाद 1 जुलाई को मुकेश आया और बोला कि भाई साहब, मैं लोन चुकाने आया हूँ, प्लीज प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़कर बताएं कि मुझे आपको कितने रुपए देना है। हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए गो टू पर जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे इंटरेस्ट और फिर यहाँ अपनी जरूरत के अनुसार जो भी ऑप्शन पर चाहें, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट पेएबल या लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर चले जाएं। हम लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम सिलेक्टेड है, हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब जिस पीरियड का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं F2 प्रेस करके वो टाइप कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर कितना इंटरेस्ट बनेगा वो दिखाई पड़ रहा है। एक बार जरूर ध्यान रखें, इस इंटरेस्ट का हमारी बुक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसका इफेक्ट देने के लिए हमें इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में करनी होगी। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेबिट में हम मुकेश का लेजर सेलेक्ट करेंगे
यहाँ पर ब्याज का अमाउंट टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर सिलेक्ट करना है, यह लेजर बना हुआ नहीं है तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, अंडर में हम इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये ब्याज हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो ही रहने देंगे, अब इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहां नरेशन टाइप करेंगे और अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। चलिए अब हम रिसीट वाउचर पर चलते हैं और मुकेश से इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। क्रेडिट में मुकेश का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहां मुकेश से लोन और इंटरेस्ट मिलाकर जो अमाउंट लेना है वो दिखाई पड़ रहा है, हम इसे यहां पर टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब डेबिट में कैश सिलेक्ट कर लेंगे, यहां पर नरेशन टाइप करेंगे बीइंग लोन अमाउंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट और इस वाउचर को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि इंटरेस्ट क्या है, वो कितनी तरह का होता है, टैली में इसे कैसे इनेबल किया जाता है और किस तरह इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको कस्टमर या सप्लायर के ब्याज की ट्रांजेक्शन वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।